और बिहार में चाहे भले ही शराब बंद हो गए हैं, लेकिन चोरी छुपे शराब के अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। रोहतास जिला में लगातार प्रशासन की छापेमारी हो रही है, इसके बावजूद भी शराब पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है। आज रोहतास उत्पाद विभाग को शराब बरामदगी में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगड़ेर थाना के आकाशी गांव में 735 पेटी देशी शराब और 64 लीटर विदेशी शराब किया गया है। साथ ही पिकअप ट्रक के अलावा एक बोलेरो एवं एक इको कार को भी बरामद किया गया है। सर, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है जी। सर, फिर भी यहाँ रोहतास जिले में शराब पकड़ी जा रही है, सर इसके बारे में बताइए क्या है सर? ये तो चाहे कुछ अपराधी असामाजिक तत्व तो चाहेगा ही कि शराब आवे, लेकिन हम लोग उसको पकड़ रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ पकड़ रहे हैं। मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूँ और देखिए, उत्पाद विभाग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सर, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? रियली बहुत बड़ी कामयाबी है ये, और इसके साथ साथ हम लोग एक कारखाना भी पकड़े हैं जिसमें एक विदेशी शराब को कर्क करने का मशीन पकड़ाया है और एक देशी शराब को पैकिंग करने का सचेटिंग करने का मशीन आया पकड़ाया है। उसके बाद इस सूचना मिली थी 11 बजे रात को, गुप्त सूचना मिली, तब हमने फिर उसी टीम को भेजा और उस टीम के भेजने के बाद देखिए एक ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ एक बोलेरो गाड़ी पकड़ाई है। ट्रक से ये माल लोग इस पर लाद रहा था, ये ट्रक आती है हरियाणा साइड से, और एक बोलेरो पिकअप है, एक इको गाड़ी है और एक पिकअप वैन है, तो इस तरह तीन गाड़ी अलग पकड़ाई ट्रक के अलावा। कौन दारू है, कितनी मात्रा में? ये चीप इसको कहा जा सकता है, क्रेजी। क्रेजी क्या है? क्रेजी रॉयल है, ये है सर, नैनो है सर। ये हमको डी भी लगता है, इसका हम लोग जांच करवाएंगे अभी। ये नैनो कर करके शराब है, नैनो प्रीमियम। शराब की मात्रा क्या होगी सर? ये आपको 7735 पेटी में पकड़ाई है और सब में 180 ml का बोटल्स है, 48 उसके बाद 6350.400 लीटर, मैंने 6400 रखा जाए ना, 6400 लीटर शराब पकड़ाई है। ये विदेशी शराब है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम लोग इसको आगे भी इस तरह का केस पकड़ेंगे। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई सर? गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन हम लोग इसका नाम पता, ट्रक वगैरह सब का पता हम लोग कर रहे हैं, इसका अन्वेषण में आएगा नाम। असिस्टेंट कमिश्नर राम बाबू। उत्पाद आयुक्त राम बाबू ने बताया कि शराब को लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत शनिवार की रात 11 बजे गुप्त सूचना मिली कि आकाशी गांव में ट्रक से शराब उतार कर उसे ठिकाने लगाया जा रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी करके ये अवैध शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि कारोबारी भागने में कामयाब रहे। अभी बिहार में नीतीश कुमार और सुशासन बाबू की लगातार शराब के ऊपर अलग अलग तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। अभी शराब उन्होंने फिलहाल में ही कहा था कि शराब जिस थाने में पकड़े जाएंगे या पीने वाले लोग पकड़े जाएंगे उस थाने के थानेदार की थाने में पोस्टिंग नहीं होगी। बावजूद इसके शराब की कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।